Where's Garrett? मखाने की खीर बनाने के लिए हमने एक गिलास दूध ले लिया, एक कटोरी मखाने ले लिए और ये कटा हुआ ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट्स और मखाने को फ्राई करने के लिए हमने ये बेसिक घी ले लिया। हमने गैस जला ली, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया। घी गर्म हो गया और ये जो हमने मखाने लिए हैं इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस इतना फ्राई करना है कि इसका रंग नहीं बदले। ये देखिए हो गया फ्राई, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो हमने हल्का हल्का काट लिया है, इसको डाल देंगे। किशमिश आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो मत डालिएगा। इसको भी अब हम हल्का हल्का उसी घी में फ्राई कर लेंगे। ये हमारा देखिए ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गया, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम दूध डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और जो हमने मखाने और ड्राई फ्रूट फ्राई करे हैं उनको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको हिला लीजिए, इसको हम ढक देंगे। देखिए हमारी 5 मिनट में मखाने की खीर बनकर बिल्कुल रेडी। उसको भी हमने डाल दिया और इसको हम बीच बीच में हिला लेंगे, फिर कवर कर देंगे। अब इसका ढक्कन उठाएंगे और देखिए हमारी कितनी बढ़िया गाढ़ी खीर बनकर रेडी। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए खीर कितनी प्यारी हमारी बढ़िया बनकर रेडी। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। अब बनाते हैं हम दूसरी डिश। चलिए अब बनाते हैं व्रत वाले आलू। व्रत वाले आलू के लिए हमने 2 आलू बॉईल कर लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप चाहें तो उसको मैश भी कर सकते हैं। ये 2 हरी मिर्ची छोटी छोटी काट ली, ये मूंगफली, इसको भी हम फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हमने सेंधा नमक लिया और 1 चम्मच काली मिर्च, ये 1 चम्मच जीरा और देसी घी और ये मूंगफली के दाने, और इनको हम भून लेंगे। हल्का भूनना है, ज्यादा काला नहीं करना। अब ये मूंगफली को हम निकाल लेंगे। उसी में अब हम हरी मिर्ची कटी हुई, मूंगफली फ्राई करी हुई और ये जो हमारा नमक काली मिर्च है इसको भी हम डाल देंगे। आलू हमारे उबले हुए हैं इसलिए हमको इसको ढककर पकाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखिए ब्यूटी के लिए हमने इसमें टेस्ट के लिए डाल दिया हरा धनिया और हमारे व्रत के आलू बनकर बिल्कुल रेडी। चलिए अब इनको सर्व करते हैं। अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई को हम जला लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम ये बचा हुआ देसी घी भी डाल देंगे। ये टोमेटो प्यूरी बनाई है हमने, ये जो हमने पिछले साल
सेव करे थे फ्रीजर में डालकर। हाउ टू सेव टोमेटोज फॉर लॉन्ग टाइम, इसकी वीडियो का लिंक हम नीचे सेंड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें हमने दो मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी और ये आधा टीस्पून नमक, सेंधा नमक डालिएगा व्रत का बना रहे हैं तो, और काली मिर्च। लाल मिर्च का इस्तेमाल अगर आप लोग व्रत में करते हैं तो आप करिए, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। ये बॉईल करे हुए आलू को भी डाल, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी हल्की सी ग्रेवी बन जाए, और इसको तीन बॉईल आने देंगे। ढकने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे आलू बॉईल हैं। अब इसमें बॉईल आ गए, हरा धनिया डाल दीजिए और हमारे आलू बनकर बिल्कुल रेडी। अब इसको हम सर्व करेंगे। अब इसको हम सर्व करते हैं। हमारे रसे वाले व्रत के आलू बनकर बिल्कुल रेडी। डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और तैयार।